साथियों, मैं दंडकारण्य में हूं और दंडकारण्य के इस इलाके में पिछले 40 सालों से जनता और सरकार के बीच में युद्ध चल रहा है, जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। और जनता और सरकार का युद्ध जो है पिछले 2 सालों में आज एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है जब सरकार अपनी ही जनता पे बम गिराने की कोशिश कर रही है। लगातार ये चौथी घटना है 2021 के बाद कि जनता के ऊपर बम गिराया गया है। ये माओवाद के खात्मे के नाम से बस्तर के जंगलों में, बस्तर के बस्तियों में जो बम गिराने का दौर चला है, उसको लेके ना तो केंद्र की सरकार स्वीकार कर रही है कि वो बम गिरा रहे हैं, ना राज्य की सरकार। मगर आज मैं उस जगह में खड़ा हूँ जहाँ आज से मात्र 2 दिन पहले बम गिराने की घटना हुई, और जिस दिन घटना घट रही थी उस दिन संयोग से मैं अपने साथियों के साथ एक और मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, आवापल्ली और बासागुड़ा। तो आवापल्ली के लोगों ने भी, जो इस घटना स्थल से लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा है, और पामेड़ जो यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ के कुछ साथियों ने, कुछ शिक्षकों ने, कुछ कर्मचारियों ने हमको बताया कि बमबारी हो रही है और उसका आवाज उन तक पहुंच रहा है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक, और जगह यहाँ। तो इतना तेज आवाज में जो बमबारी हो रही है, कितना भयानक होगा। और इस चीज को हम समझने के लिए उस दिन स्पॉट में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इस तरह के बमबारी के अवसर में पत्रकार संयोग से उस मौके पर पहुंच जाए। इसलिए गांव वाले भी हमारे को संदेश देखे और हमको एक गांव में रोका गया, कुंडापल्ली में हमको रोक के रखा गया। इस बीच फिर गांव वालों को विश्वास हुआ तो आज हमको यहाँ पे उन्होंने लेके आए तो हैं, और हमारे हमको अपना विरोध दिखाने के लिए वो कोशिश भी की। यहाँ पे भारी संख्या में आप जनता देख सकते हैं जो इस क्षेत्र के बहुत सारे गांव से आए हुए हैं और जो खुद इन चीजों को लेकर बहुत प्रताड़ित हैं। इनका कहना है कि जो बम जो गिराया जाता है केवल उनका निशाना कोई माओवादी नहीं, ये यहाँ की जनता है, क्योंकि जंगलों से वास्ता यहाँ की जनता का रहता है। महुआ बीनने का समय है और लोग 5 बजे से सुबह जंगल में पहुंच जाते हैं महुआ बीनने के लिए, क्योंकि 6 बजे के बाद जब वो पहुंचते हैं तो वो महुआ फिर दूसरे जीव जंतु के हाथ लग जाता है, इनके हाथ में महुआ भी नहीं आता। तो ठीक उस समय को चुना गया, और जो कहानी हमारे सामने आ रहा है आज, जो बहुत सारे यहाँ पे गाँव वाले ने आज बताया है और इसमें भाषण देकर भी बताया गया है, तो पता चला है कि पामेड़ से ये ऑपरेशन चलाया गया और लगातार 20-22 किलोमीटर तक जगह जगह बम गिराए गए और फायरिंग की गई। LMG हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके LMG से फायर किया गया। हम 2 दिन पहले पहुंचे जब ये 7 तारीख की घटना है, हमको विज्ञप्ति मिल चुका था यहाँ माओवादी के नेताओं का, तो हम बासागुड़ों में पड़ चुके थे। मगर जब हम पहुंचे तो हम लोग भी जिस गांव में थे, पीछे कुंडापल्ली जो गांव है, वहां भी जो है हमने देखा कि हमारे ऊपर भी जो है हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वो सेना का या CRPF का हेलीकॉप्टर है। तो ऑपरेशन होते भी हमने देखा है, और आज हमारे सामने भी जो है वो बम के टुकड़े गांव के लोगों ने कुछ इकट्ठा करके ले आ पाए हैं, क्योंकि पूरा जंगल में ये सब हुआ है जगह जगह। और जब बमबारी हुई तो बहुत सारे ग्रामीण जो है उसमें उसके धमाके के आवाज से हड़बड़ाहट में आके अपने घर की ओर वापस दौड़ने का जो कोशिश की, उसमें बहुत लोग घायल भी हुए हैं। और ये बम के जो टुकड़े हैं, जो अत्याधुनिक बम है, और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार जो है जो जिनेवा समझौता है और तमाम जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हुए हैं कि अपने ही देश के नागरिकों पर आपको बमबारी नहीं करना है, उसका ये पालन नहीं कर रही है सरकार, तो इसका भेद खुल चुका है। मगर फिर भी सरकार पिछले अभी जनवरी के महीने में ही जब फिर से बमबारी हुई थी तो CDRO की टीम और देश के बहुत सारे जो बुद्धिजीवियों का जो दस्ता है, जो जांच के लिए आ रहे थे, जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको पूरा बेशर्मी से सरकार ने रोका था। तो आज हम यहाँ पे हैं, आइए हम एक दो अपने साथियों से मिलकर जानते हैं कि घटना हुआ कैसे और इस तरह से कब से चल रहा है, और इसको लेके आगे इनके मन में क्या दहशत है, क्या सोच रहे हैं, क्या ये अपने आप को इस देश के नागरिक समझना चाहते हैं, क्या हुआ था भाई? यहाँ पे हमारे यहाँ 7 तारीख के हेलीकॉप्टर रोना के जंगलों में हमला कर दिया। हम लोग 4 बजे उठ के मुहा बीनने गए थे, कोई कोई ऐसा आवाज बमबारी का आवाज सुनकर कोई कोई डर के गिर के घर दौड़ कर आए, कोई गाय कहीं जंगल में रहने वाला गाय भी सब बैल मर गया हमला का वजह से, दरोंग से 3 हेलीकॉप्टर आके फायरिंग भी हुआ हेलीकॉप्टर से, तीन हेलीकॉप्टर लगभग 3 घंटा तक हेलीकॉप्टर घूमी, 3 घंटा तक चलते रहा। हाँ, कुल कितने बम गिराए गए? कुल 25 तक गिरा। अच्छा, और ज्यादा भी गिरा है, लेकिन हम लोगों को फुट समय पूरा बेहोश हो गया। धमाके की आवाज से ही बम की गिनती ये लोग कर पा रहे हैं,
और जो जगह जगह हम बहुत सारे साथियों से बात की, बहुत सारे ग्रामीणों से बात हुई है, तो उसके हिसाब से निश्चित रूप से 15 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। हमारे साथ एक महिला साथी भी है गांव की, हम उनसे भी जानते हैं कि इस चीज क्या हुआ कैसे। अप्रैल महीना 7 तारीख नरकम 6 बजे जनता पुरो बम्मेस्तोर सरकार अमित मोदी मोदी ना इदु मुन्ने 25 मार्च 25 तारीख ते अमित शाह देश वासी मोटिवेशन कीसी तेरके बम्मेसन साल के मुन्ने टोय वेलता नर्ग दिन नरक पयलो टोय वेले वेले जंगल नाकिन गंत मोतम टोय दिनाल तो दिनाल वेलसी टोय तेड़ पेर के अप्रैल महीना 7 तारीख नरकों ड्रोन संगे बम्मी तसी विड़स्तर जंगल तग जनता इडुपे कना कमई तग ड्रोन संगे बम्मी तसी विड़स्तर दान संगे हेलिकॉप्टर तेवंडे 3 हेलिकॉप्टर तसी फायरिंग कित्तर जनता पुरोने पुरो मांजे फायरिंग कित्तर इदु नेंडा नवेंडे टोयिंदन अदु बेंटीने रोम कित्त दिल्ला सरकारु नेंडा नांग वेनर कोम टोय वासे मत्त मीर वन के अस्तिरु ई दिनाल तो दिनाल तीर्थ मुंतरु मीरु निजमे इले कीवो सरकारु इंजो मीर नमो कसरे मीर पत्रकारिर गदा मिडिगे मांजुड किर मा नाकिन मी कसके समझे मात निजमे सरकारु दिनाल तो दिनाल हेलिकॉप्टर टोयु ई जनतन जनतापुर अम्लकी नीकु तीर्थ मुंतरा तीरोरेंजो मीक जीवन अमोत के मिडिग मांजुड किर मम्मी किन तासतम डोड़ जावीतम मीर के जुड़की दिनाल तो दिनाल तीर्थ तर तीरोर इदु असल इलकीन सरकारु नेलमनो इदु दिनाल तो दिनाल जंत की नाव कनदु ई बम ड्रोन संगे बम येसनदु इलकी तस्के मम जंत बेले बतकनदिग ई इलक तग मम जंत बतकनद लेवके मम मिर्रनद सरकारु ಕೂಡನೆ ಕಾಲಸ್ತರ ಈಗ ಬದುಕನದ ಆಲಿಸ್ತಾರ ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ತೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ನೀ ಚಾಹತಿ ಹೈ ಮಗರ್ ಮನಮಾನೆ ತರೀಕೆ ಸೆ ಜನತಾ ಪೆ ಬಂಬಾರಿ ಜಾರಿ ಹೈ ಔರ್ ಆಜ್ ಜಿಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪೆ ಹಮ್ ಖಡೆ ಹೈ ವೋ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಬನ್ ಚುಕಾ ಹೈ ಔರ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ಭಿ ಆಜ್ ಹಮ್ಕೋ ಅಗರ್ ಡರ್ ರಹೆ ಥೆ ಕಿ ಹಮ್ ಅಚಾನಕ್ ಆ ಗಯೆ ಹಮ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ನೀ ಚಾಹ ರಹೆ ಥೆ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಛೆ ಭಿ ಏಕ ಕಹಾನಿ ಥಿ ಕಿ ವೋ ಲೋಗ್ ಹಮಾರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಭಿ ಚಿಂತಿತ್ ಥೆ कि यहाँ पे लगातार बमबारी हो रही, लगातार ड्रोन घूम रहा है। अभी कुछ देर पहले भी ड्रोन की आवाज आ रही थी, तो लोगों में दहशत का माहौल है और सरकार इस पूरा दहशत को बनाने के अपनी जवाबदारी से बचने की कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ का बस्तर का माहौल है। धन्यवाद।